राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की ओर से संविधान चौक से मानकापुर क्रीड़ा संकुल तक 4.5 किलोमीटर लंबे उड़ान पुल के नीचे किए गए सौंदर्यकरण का गडकरी के हस्ते अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सभागृह में ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। लिबर्टी ओवर ब्रिज के सौंदर्यकरण का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रिज पर कलाकारों द्वारा बनाई गई प्रतिकृतियों, पेंटिंग आदि की सराहना करते हुए कहा कि कोविड काल के संकट में भी सौंदर्यीकरण के इस कार्य में अनेक कलाकारों को रोजगार दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लिबर्टी उड़ान पुल के नीचे सौंदर्यीकरण के माध्यम से भावी पीढ़ी को विदर्भ और देश के विकास में योगदान देने वालों का इतिहास जानने का अवसर उपलब्ध हुआ है। कोरोना काल में नागपुर के कलाकारों ने इस काम को अंजाम दिया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पशु संवर्धन व खेल मंत्री सुनील केदार, महापौर दयाशंकर तिवारी, उपमहापौर मनीषा धावड़े, विधायक प्रवीण दटके, नागो गानार, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मनपा स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे आदि मंच पर उपस्थित थे। लिबर्टी उड़ान पुल के 57 पिलरों पर सौंदर्यकरण किया गया है। चित्रकारी के माध्यम से शहर की जैव विविधता, वन्य जीव, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, शहर के विकास में योगदान देने वाली 25 हस्तियों की प्रतिकृति, खेल व खिलाड़ियों के संबंध में मार्गदर्शक जानकारी की झलक देखने को मिलती है। संक्षिप्त जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में लिखी होने से विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। उसी के साथ योगासन, प्राणायाम, विपश्यना की मार्गदर्शक जानकारी चित्रकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का गडकरी ने कलाकारों की टीम को सुझाव दिया और फिर उन्हीं के कहने पर ये काम इस संस्था को दिया। आज मुझे बड़ा दुख है कि विश्राम जामदार हमारे बीच में नहीं है, उनका कोविड के कारण इसी समय निधन हो गया। और नागपुर शहर का एक बहुत अच्छा उद्योगपति और विशेष रूप से अनेक क्षेत्र में काम करने वाला अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया, पर उन्होंने जो काम कहा था उसको मंजूरी मिली और इस संस्था के सभी लोगों ने करीब 250 कलाकार इसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार से काम किया है। इसमें इतिहास है, संस्कृति है, खेल है और साइंस भी है और उसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी का पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ भी है। और हमारे जो बच्चे हैं इनको विशेष रूप से इसका प्रशिक्षण देने के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे क्षेत्र में जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, वाघ, टाइगर, उनको टाइगर कैपिटल कहते हैं, तो टाइगर है। नागपुर के बायोडायवर्सिटी में जितने प्रकार के बर्ड्स हैं वो सब बर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। उसके साथ फिश है, सभी प्रकार के फिश हैं। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो है। और विश्वनाथ आनंद जी ने जब विश्व चषक जीता था चेस में, बुद्धिबल में, तो वो जो गेम था उनका, एक ही इसमें वो जीते थे, वो गेम भी बड़े प्रमाण पर